तो गाइस ये हमारे पास गिट्टक, हमारी भाषा में इनको गिट्टक बोलते हैं। ये सिलाई मशीनों के अंदर यूज में ली जाती है कपड़ा सिलने के काम में। तो गाइस आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इस धागे की लंबाई कितनी होती होगी। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कितनी इस धागे की लंबाई होती है। तो गाइस हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इन गिट्टकों को नापने के लिए हमें कुछ चाहिएगा, जो कि हमारे पास ये फीता, इसकी मदद से नापेंगे। इसको ऊपर नंबरिंग लिख रही है, देखा यहाँ पर ये इतना है 1 फुट, और इससे आगे लगाएंगे ये गाइस पूरा 10 फुट का है गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये न्यू ब्रांड है, ये देखा इसके अंदर से हम अभी हटाते हैं इसको पन्नी में। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर इसको नापते हैं। तो गाइस इस गिट्टक धागे को नापने के लिए हमारे पास ये स्प्रिंग फीता, इससे ही हम नाप यहाँ पर इस बच्चे को खड़े करते हैं। इस पहले इस 10 फुट को करते हैं कंट्रोल। तो गाइस यहाँ पर ये लगभग इतना मेरे हिसाब से 10 फुट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर अभी फीते से नापते हैं, यहाँ पर ही क्लिप की तरफ। नौ मीटर हो चुका है, देख गाइस यहाँ पर 9, और ये यहाँ पर ये 10 मीटर। तो गाइस 9 की लेंथ रखते हैं यहाँ पर, ये 9 की लेंथ है, और इसके ऊपर ही टिक लगा लेते हैं। इसको कुछ इस तरह नापेंगे। यहाँ पर ये गिट्टक आधी खत्म हो चुकी है, और फिलहाल इसमें जो कि हम धागा की लपेटा था वो 36 बार हमने लपेट दिया है इसको। तो गाइस यहाँ पर इसको और लपेटते हैं फटाफट। इस गिट्टक के अंदर ये हमने 9 फुट के 66 बार लपेट दिया गाइस। अब तुम लगाओ 66 × 9 लगभग 594। तो गाइस यहाँ पर 594 फुट लंबी इसके अंदर ये धागा निकलता है। तो गाइस इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लगभग 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 178 मीटर, लगभग 178 मीटर इसके अंदर ये धागा निकलता है। तो गाइस यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का ये देगा, यहाँ पर ये वाओ, यहाँ पर ये इतना सारा धागा है। एक गिट्टक के अंदर हमने 9 फुट के 66 बार ये इसके अंदर लपेटा था। तो गाइस 66 × 9 कर लो आप, लगभग 594 फुट बैठता है। तो गाइस इसको मीटर कन्वर्ट करें तो हम लगभग 178 मीटर इसके अंदर पूरा टोटल धागा निकलता है। देखा यहाँ पर ये इतना सारा धागा ये फिलहाल तो उलझ चुका है। तो गाइस देखो, तो गाइस आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आए वीडियो की लाइक, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, धन्यवाद।